आज बड़े दुख के साथ और मजबूर होके हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, जो यहाँ पे मौतें हो रही हैं, उनको नहीं रोक पाई। और रोज़ाना 40 से 50 लोगों की मौत हो रही है और जम्मू के लोगों को बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। 3 दिनों के अंदर 132 लोगों की मौत हुई है जम्मू डिवीज़न के अंदर। और जीएमसी हॉस्पिटल में 40 लोगों की मौत हो रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी ऑफिस में बैठ के सर्कुलर निकालते हैं कि सीनियर डॉक्टर वार्ड में जाके दौरा करें। मैं समझता हूं ऐसे अफसरों को बर्खास्त करना चाहिए। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि सितंबर 2018 में जब डुल्लू साहब ने ज्वाइन किया, जब पहली वेव आई, कोविड-19 की जब पहली वेव आई, तो कितनी लोगों की मौत हुई। और उससे सबक ना लेते हुए जब दूसरी वेव आई, तब हमारे एडवाइज़र भटनागर साहब और हमारे हेल्थ कमिश्नर डुल्लू साहब के नेतृत्व में कितने लोगों की मौतें हुई, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। उसी को देखते हुए हमारी ट्रेड फेडरेशन जिम्मेदार फेडरेशन है और सामाजिक दायित्व निभा रही है। और उसके साथ हमने 3 वार रूम तैयार किए हैं। जो पहला वार रूम है हमारा, ऑक्सीजन वार रूम है। ऑक्सीजन वार रूम में हमारे ये हेल्पलाइन नंबर है, 6 लोगों के हेल्पलाइन नंबर दिए हैं मैंने। और इसमें ऑक्सीजन जो सिलेंडर 120 सिलेंडर हमने प्रक्योर किए हैं और 5 बाईपैप मशीनें प्रक्योर की हैं और 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है हमारे पास है और फ्लो मीटर जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। मकसद एक ही है कि जम्मू के लोगों को बचाना है। जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वो हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वो हमारे से सिलेंडर ले सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कोई सिक्योरिटी आपको नहीं जमा करानी है। बस एक आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जो बतानी है जो पॉजिटिव है। और मेरा दूसरा वार रूम है राशन वार रूम। ये हेल्पलाइन नंबर है हमारे राशन वार रूम के, आप सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जिस तरह से हालात बने हुए हैं कि लोगों के पास जो है, सरकार भी अपनी तरफ से मदद कर रही है और हम लोगों की जो जिम्मेवारी है, जो जिम्मेदार संस्था है, उसके नाते हम जो है ये राशन का वार रूम बनाया है। इसमें लोग जो है हमारे जिन लोगों के नाम लिखे हैं और उनके, हाँ जी, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी मारना चाहिए।